फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहाज हैंडमेड्स। और आज मैं अलग अलग कलर्स के पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा वाटर स्प्रे, जो कि कलर्स को वाटर में मिक्स करके स्प्रे करते हैं, उस टाइप में ड्रॉ करेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑरेंज कलर लिया और फर्स्ट ट्राई किया डॉट्स बनाने के लिए, वाटर डॉट्स, तो वो इतने अच्छे से आ नहीं रहे थे। तो मैंने ब्रश को स्प्रे करके, देखिए आप, ये बहुत ही अच्छे आए थे वाटर ड्रॉप्स। तो सेम पैटर्न मैंने बहुत सारे कलर्स, अलग अलग कलर्स ट्राई किए हैं। जैसे जैसे कलर मिक्स होते जा रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने ब्लू ट्राई किया, फिर रेड, फिर येलो, इसे पानी में डाल के कलर्स स्प्रेड कर रही थी, जस्ट ब्रश को ऊपर से स्प्रिंकल कर रही थी। और देन ग्रीन कलर, और जैसे जैसे कलर मिक्स हो रहे थे तो वो इफेक्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो आप देख ही सकते हैं, लास्ट सब कलर मिक्स होने के बाद इतना सुंदर दिख रहा था वो। तो अभी तो ये गीला है, इसे हम सूखने के बाद देखेंगे इसके इफेक्ट्स कैसे आए हैं। तो ये अब सूख चुका है, देखिए कलर्स के इफेक्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, सब डॉट में कलर अच्छे से दिख रहा है। तो अब मैंने इसके ऊपर ना ड्रॉप्स का इफेक्ट डालने के लिए सर्कल बना रही थी, तो टेप से मैंने सर्कल बनाए हैं ब्लैक कलर के, अलग अलग हर जगह पे, तो इसे एक वाटर ड्रॉप का इफेक्ट देने के लिए। इसमें भी मैंने बड़े साइज के और छोटे साइज के अलग अलग ऐसे सर्कल्स बनाए, हाफ सर्कल बनाए, जो कि वाटर ड्रॉप का इफेक्ट दे। तो इससे हमारी पेंटिंग और भी अच्छी लग रही थी। तो आप मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट देख के कि आपको ये स्प्रे और कलर स्प्रे पेंटिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नेहाज हैंडमेड्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।